अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं। वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल दिलवाल हसन डिजिटल मार्केटिंग में, और मैं हूं आपका होस्ट हम्माद हसन। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें हमने देखना है कि जो फेसबुक हमने पेज पहले बनाया है, जो वीडियो लास्ट आपने देखी है जिसमें हमने फेसबुक पेज बना के उसकी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की है, उसकी कवर फोटो हमने लगाई है, और एक आप देखेंगे कि एक पोस्ट हमने ना उसमें डेवलप की है। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ सेटिंग्स हैं इसकी, ठीक है, कुछ सेटिंग्स हैं फेसबुक की, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो हमने करनी है, लाजमी जो हमने फिल करनी है, फिर आप आगे जो है वो मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट टाइम आपको कुछ चीज़ें मैंने बताई थी कि सेटअप पेज फॉर सक्सेस, ठीक है, जो स्टेप्स हैं जो कंप्लीट करने हैं हमने एक पेज को बनाने के लिए, वो टोटल जो है वो 13 स्टेप्स हैं, उसमें से 6 जो हैं वो कंप्लीट हो गए, 6 कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है वो भी हम देखते हैं कि कैसे करने हैं। अच्छा, जो हो चुके हैं वो देखें क्या क्या हो चुके हैं। क्रिएट अ पेज नेम, पेज नेम जैसे ही हमने स्टार्ट किया था तो वो हो गया था, कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली थी, प्रोफाइल पिक्चर हमने लगा दी थी, एड कवर फोटो हमने कर दी थी, और डिस्क्रिप्शन हमने कंप्लीट कर दी है, यानी कि हमने क्या करना है, यानी कि हमारा जो ब्रांड है या हमारी जो प्रोडक्ट सर्विस है, जो हमारा बिजनेस है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वो हमने डिस्क्रिप्शन जो है वो कर दी थी। तो अब जो है हमारे जो रिमेनिंग हैं वो ये स्टेप्स रह रहे हैं। तो उसमें क्या है, उसमें हम वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले है कि वेबसाइट, डज योर बिजनेस ऑलरेडी हैव अ वेबसाइट? अगर तो हमारी वेबसाइट है बिजनेस की तो फिर तो हम उसको यहाँ पे लगा देंगे, ऐड वेबसाइट करेंगे, ऐड वेबसाइट में जाके यहाँ पे वेबसाइट का जो यूआरएल होगा, यानी कि सपोज जैसे ये यूआरएल है, या कोई भी हम सर्च कर लेते हैं, चले ये है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इसका जो यूआरएल है ये वाला homeandkitchenfurniture.com, ठीक है, ये हो गया, या indiamart.com, www, ये जो URL होगा, सपोज ये हम इसको क्लिक करते हैं तो इसका जो URL होगा यहाँ तक, ये वाला नहीं, ये आगे और चीज़ शो कर रहा है जो होम पे होती है चीज़, यानी कि आप कह लें कि यहाँ तक, ये HTTP से यहाँ तक, ये जो है ये हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वो यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो ऐड अप हो जाएगी। अगर कोई भी क्लाइंट हमारे पेज पे आता है तो यहाँ से वो स्विच करके या उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा। अच्छा, अगर हमारी वेबसाइट नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, तो माई पेज, इस पर लिखा है माई पेज डज नॉट हैव अ वेबसाइट, वो नहीं है तो हम इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो इसको क्लोज कर देंगे। तो देखें वो ख़त्म हो गया, वो स्टेप कंप्लीट हो गया, पहले 6 स्टेप थे यहाँ पे, अब 5 हो गए। तो अच्छा, लोकेशन इन्फो, डू यू वांट योर पेज टू डिस्प्ले अ बिजनेस एड्रेस आर द सर्विस एरिया? अगर तो आपने अपना सर्विस एरिया या लोकेशन अपनी उस पर पुट आउट करनी है तो फिर तो वेल एंड गुड है, अच्छी है, ताकि कस्टमर जो है वो एड्रेस आपका ढूंढ के आपसे फिजिकली भी विजिट कर सकता है। अगर तो आप नहीं करना चाह रहे तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, फिर भी ये हो जाएगा। ये देखें, ये माई पेज डज नॉट हैव अ लोकेशन, अगर तो लोकेशन होगी तो आप उस पर लोकेशन सेंड पुट कर दें, एड्रेस लिखें, सिटी लिखें, पोस्ट कोड लिखें, और अगर मैप में आप लोकेशन भी पुट करना चाहें, यानी कि यहाँ पे सर्च करेंगे मैप आ जाएगा, और मैप पे अपनी लोकेशन जो है पुट करें और आपको वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर तो वो नहीं है, आपका एड्रेस आप नहीं पुट करना चाह रहे, तो आप इसको सेलेक्ट करें और इसको क्लोज कर दें। तो अभी ये देखें, ये एक और स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी बिजनेस आवर्स जो हैं, बिजनेस आवर्स जो हमारे हम यानी कि हमारी जो शॉप है या आपका जो बिजनेस है वो कब से कब तक यानी कि ओपन रहता है, तो उसके लिए आपने अपने सिटी, अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली आपने इसको करना है। यानी अगर पाकिस्तान में है तो हम सुबह 9 बजे से यानी कि 9 AM टू 5 PM कर सकते हैं, 6 PM कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो भी आपका बिजनेस आवर्स होंगे। अगर तो आपने उसको सेलेक्ट करना है तो आप उस पर पुट करें, अगर नहीं है तो इसको दैट इज़ नॉट यानी इसमें लिखने, दिस डज नॉट अप्लाई टू माई पेज, इस पर करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, ये 3 स्टेप रह गए। तो ऐड अ फोन नंबर, फोन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोन नंबर आप ऐड करें,
फ़ोन नंबर ऐड करें, यहाँ पे पहले कंट्री सिलेक्ट कर लें, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, आपका इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, यूएसए है, यूके है, कनाडा आपका जो भी है, सपोज ये हम कर लेते हैं, ये पाकिस्तान हम कर लेते हैं, तो पाकिस्तान का जो आपका फ़ोन नंबर होगा वो PTCL नंबर है, आपका फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप जो भी आपका नंबर होगा तो वो यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर तो वो फ़ोन नंबर आपने ऐड करना है, बल्कि होना चाहिए, फ़ोन नंबर ऐड होना चाहिए, वो चाहे आपका लैंडलाइन नंबर हो या आपका मोबाइल नंबर हो, तो अगर नहीं है, नहीं करना चाह रहे तो फिर आप इसको कर दें। अच्छा ये देखें, ये दो स्टेप रह गए हैं बस इसमें, एक तो ये। अच्छा अब व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ये अच्छा पहले नहीं था ये व्हाट्सएप, क्योंकि ये जो आपका फेसबुक है और जो व्हाट्सएप है, पहले फेसबुक अलग था और व्हाट्सएप अलग था, अब जो है वो फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज कर लिया, तो वो ऑप्शन दे रहा है कि वो व्हाट्सएप का ऑप्शन भी आपको पेज पे दे रहा है कि आप व्हाट्सएप पे भी हैं तो आपको कनेक्ट कर देगा दोनों के साथ। तो अगर तो वो आपने व्हाट्सएप वही नंबर है आपका तो आप उसको कनेक्ट कर लें, अगर नहीं है दोस्तों ये कर दें, तो सिर्फ एक स्टेप रहेगा। अच्छा अब ये है ऐड बटन, ऐड अ पेज बटन, उसमें क्या है, मेक इट इजी फॉर पीपल टू डू थिंग्स सच एज कॉल और बुक विद यू, दिस बटन अपीयर्स एट द टॉप ऑफ योर पेज। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये ऐड अ बटन की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो है ये देखें ऐड अ बटन, अच्छा दिस, इसको भी कर देंगे तो एक स्टेप रह गया, तो ये ऐड अ बटन कर रहे हैं, तो ऐड बटन अगर हम ऐड इस पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है, देखें ये ऐड बटन के ऑप्शन दे रहा है हमें कि गेट कोड करना है, कॉल नाउ करना है, कॉन्टेक्ट अस करना है, फॉलो करना है, व्यू कार्ड, स्टार्ट ऑर्डर, बुक नाउ, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप, सेंड ईमेल, ठीक है। तो अगर तो हम देखें ये कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट अस करते हैं, तो चूज अ वेबसाइट वेयर पीपल कैन फाइंड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो वो हमें वेबसाइट देनी पड़ेगी। अगर तो हमारी वेबसाइट नहीं है तो फिर हम इसको नहीं चूज कर सकते। कॉल नाउ पे अगर करते हैं चूज वेयर यू वुड लाइक टू रिसीव कॉल्स, यानी कि वो फिर हम अगर इस पर क्लिक करके देखते हैं ये फ़ोन नंबर फिर वो पूछेगा, यहाँ पे इसको हमें सेव करना पड़ेगा, वो कोई भी आपका फ़ोन नंबर हो सकता है। तो सिंपली क्या करते हैं हम, अगर तो व्हाट्सएप आपका है तो हम व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम सेंड मैसेज मैसेंजर का, यानी कि ये जो मैसेंजर का है, रिसीव मैसेज इन योर पेज इनबॉक्स, इनबॉक्स में हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी ये देखें एडिट सेंड मैसेज, यहाँ पे अब हम इसको, क्योंकि हम एज ए एडमिन देख रहे हैं तो इसलिए ये शो कर रहा है, तो वरना सेंड मैसेज का सिर्फ सेंड मैसेज का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो अभी जो है 12 ऑफ 13 स्टेप्स कम्प्लीटेड, यानी कि 12 स्टेप्स जो हम कम्प्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक स्टेप हमारा रह गया है, वो क्या है। अच्छा ये है कि इंट्रोड्यूस योर पेज, इनवाइट 10 और मोर फ्रेंड्स, व्हेन फ्रेंड्स लाइक योर पेज एंड इंटरेक्ट विद पोस्ट्स, इट कैन हेल्प यू रीच न्यू पीपल, क्योंकि वो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को मिलता है, फिर फ्रेंड्स के आगे वो शेयर करते हैं, तो इसलिए ये जो एक स्टेप है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम इसीलिए स्टार्ट में हमने जो फ्रेंड्स हैं वो ऐड किए थे, तो अभी हमारे पास 45 फ्रेंड्स हैं जिनको हमने इनवाइट कर सकते हैं, जिनको हम, तो सिलेक्ट ऑल कर लें बेशक आप, तो सबको हो जाएगा। ये देखें ये सिलेक्टेड है 45, और सेंड इन्विटेशन आप कर लें इसको, वी आर वर्किंग टू गेट फिक्स्ड एज सून एज वी कैन, ओके। इसमें हम वन बाय वन करके देख लेते हैं कि वो एक ही दफ़ा अगर नहीं कर रहा तो हम इनको ज़रा सेंड करके देख लेते हैं, इनविटेशन सेंड, वो यानी कि सबको हम वन टाइम जो है वो सिलेक्ट करके नहीं कर सकते। तो जिनको सिलेक्शन हो गई है ये इनवाइटेड 3 हो गए, इनको हमने किया था, तो हम बाकी भी जो है वो वन बाय वन करके इनको सेंड कर देते हैं, क्योंकि ये सेंड होंगे, ये लाइक करेंगे हमारे पेज को, तो ये आगे बढ़ेंगे चीज़ें। तो अभी हम इनको सेंड कर देते हैं, ये देखिए इनविटेशन सेंड, ये हो गए हैं वो, यानी कि बल्क में जो है वो उसको सेंड नहीं कर रहा था। तो ये देखिए ये हमारे जो है ये 13 ऑफ 13 स्टेप्स कंप्लीटेड हो गए हैं। तो ये थी बेसिकली सेटिंग जो हमने लाजमी करनी है अपने पेज को आगे लेके जाने के लिए। तो इसकी ये जो सेटिंग है ये अगर कंप्लीट हो जाती है हमारी, तो हम आगे फिर नेक्स्ट में चलेंगे।
जैसे ही हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो अगर लाइक करते हैं तो ये देखें, ये भी हमारे पास एक सिंपल सा ऑप्शन आता है, इनको हम इनवाइट कर देते हैं, ये इनविटेशन सेंड करते हैं, ये भी इनविटेशन हमने सेंड कर दी। तो ये हैं, तो जैसे जैसे ये हमारे जो फ्रेंड्स हैं इसको करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे, तो इन साइट्स में डाटा हमारा शो हो जाएगा, पेज कितने लाइक्स हैं, पोस्ट एंगेजमेंट कितनी है और पीपल विजिट कितने हैं, तो ये सारी इसमें आ जाएगा। तो ये इसको हम अगर रिफ्रेश करें तो जो हमने चीज़ें पुटअप की हैं तो वो जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी। ये रिफ्रेश हम कर रहे हैं इसको, ये देखें ये रिफ्रेश हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज हम थोड़ी सी और देख लेते हैं कि स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम योर पेज इन अ फ्यू स्टेप्स, यानी कि हम अपने पेज से जो चीजें हैं वो हमारी सर्विसेज हैं, वो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, वो उनको हम सेल आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ वो कह रहा है कि जस्ट इंटर योर बिजनेस डिटेल्स, एड अ प्रोडक्ट्स यू वुड लाइक टू सेल एंड कस्टमाइज योर स्टोर फ्रंट टू फिट योर ब्रांड। इसमें अगर लर्न मोर आपने इसमें मजीद चीज सीखनी है तो आप उस पर लर्न मोर पे कर लेंगे, वरना आप गेट स्टार्टेड पे करेंगे तो वो आपको उस पेज पे ले जाएगा कि कॉमर्स मैनेजर कैसे काम करते हैं। नेट काफी स्लो है आज। ठीक है, ये आपकी अपीयरेंस सामने फ्रंट एंड जो है ये आपको शो कर रहे हैं। फास्ट एंड सिक्योर चेकआउट इसके अंदर है, वन शॉप मल्टीपल स्टोर फ्रंट्स हो सकते हैं, सिंपल इन्वेंटरी मैनेजमेंट आपके इसमें शो ऑफ हो जाएगा। लेकिन हम इसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो है वो यानी कि यूज नहीं करेंगे हम, जो है वो सिंपल चीजें जो है हम क्या करेंगे, हम पोस्ट बना के, हमारी जो पोस्ट हमने एक लास्ट पोस्ट बनाई थी उससे रिलेटेड हम जो अपनी प्रोडक्ट है जो सर्विस है उसकी पोस्ट बना के अब हम अपने पेज पे लगाएंगे और पेज को फिर आगे करेंगे। अच्छा, जो हमने अपडेट्स की है ना वो अपडेट्स यानी कि यहाँ पे भी शो करना शुरू कर दिया उसने। ये जो हमने 4 days बिफोर जो है एक पोस्ट लगाई थी उसकी है, ये जो अभी हमने किया है कि ये मिस अपडेटेड देयर वेबसाइट एड्रेस, वो उसने हमें बता दिया। अच्छा, एक थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी शेयर कर दें कि ये देखें ये बूस्ट अनअवेलेबल है, ठीक है, और ये नीचे जो हमने पोस्ट लगाई थी उस पे बूस्ट जो है वो पोस्ट की अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये अनअवेलेबल है और ये वो अवेलेबल है, ये क्यों है ऐसा, क्योंकि ये एक पोस्ट है बेसिकली, जो पोस्ट होती है वो ऑथेंटिक चीज़ होती है और वो प्रोडक्ट या सर्विस हमारी हो सकती है। लेकिन ये जो अपडेट किया हमने, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक वेबसाइट का एड्रेस जो है वो लगाया था, तो वो हम वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो नहीं, क्योंकि ये देखिए ये कवर फोटो ही हमारा उठा के अपडेट कर दिया उसने, बिजनेस आवर्स अपडेट किए हैं तो वो उसको हम बूस्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको, क्योंकि जरूरत भी नहीं है उसकी, तो इसलिए ये एक मे बी कि आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो इसको हमने डिफाइन कर दिया कि किस पे बूस्ट अवेलेबल होती है और किस पे बूस्ट अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी, होपफुली कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कोई नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, अगर आपने ऑलरेडी सीखी है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, अगर कोई चीज़ आपकी मिस है तो तब भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, आज हमने क्या था कि हमने कुछ स्टेप्स थे जो हमने पेज को अपडेट करने के लिए, पेज को कंप्लीट करने के लिए जो स्टेप्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए आज। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो है वो आगे की जो चीज़ें हैं, जो हमने ऐड कैसे चलानी है, कहाँ से चलानी है, बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है, और उसके अलावा हमने देखना है कि ऐड कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके क्या क्राइटेरियाज हैं, वो सारी हम वन बाय वन आगे इंशाल्लाह वीडियोस में देखेंगे। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।